मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा की रहने वाली इशरत जहां के इनकाउंटर पर लिखी गई एक किताब का आज इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर खुद इशरत जहां की मां शमीमा कौसर मौजूद रही। किताब का इनॉग्रेशन असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल में किया गया। इस किताब को मुंबई के रहने वाले वाहिद शेख ने उर्दू भाषा में लिखा है। इशरत जहां इनकाउंटर नाम से किताब इसलिए लिखी गई है कि कैसे और किस तरह से इस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया, लोगों को इस किताब के जरिए इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। साथ ही वाहिद शेख ने बताया कि इशरत जहां इनकाउंटर की जांच कर रही एजेंसियों के रिपोर्ट और कुछ बयानों के आधार पर इस किताब को लिखी गई है। आपको बता दें कि 19 साल की इशरत जहां मुमरा की रहने वाली थी और इशरत जहां साथ में जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्ले, अमजद अली अकबर अली राणा और जिशान जौहर को गुजरात पुलिस ने 15 जून 2004 को मुठभेड़ में मार दिया था। वाहिद शेख ने बताया है कि इस किताब को उर्दू भाषा में लिखा गया है, आगे हिंदी, इंग्लिश, मराठी और अन्य भाषाओं में भी लिखी जाएगी। इस पूरे इशरत जहां इनकाउंटर पर लिखी हुई किताब की जानकारी देते हुए वाहिद शेख ने क्या कुछ बताया है आपको सुना दें। देखिए 2018 में मुझे एक साहब का फ़ोन आया कि इशरत के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस केस को लेकर के। तो मैं इशरत के घर गया, उनकी वालदा से मिला और फिर बातों बातों में ये एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा उसके साथ जुल्म हुआ है और इंसाफ नहीं मिला है। और वो सारे चीज़ें जो साजिश पुलिस ने रची थी, आईबी ने रची थी, वो पूरी बिखरी हुई है। तो उसको अब देखिए, हर कोई चार्जशीट नहीं पढ़ता, हर कोई कोर्ट के कागजात नहीं पढ़ता, लेकिन किताब पढ़ने का एक ट्रेंड है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि इस सारी चीज़ों को जमा करके किताबी शक्ल में लाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जब मौरिख लिखेगा इशरत जहां के बारे में तो ज़रूर इस किताब के हवाले से भी वो बात करेगा और ये बात भी सामने आएगी कि उसको उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और उसका जो है ज़ालिमाना कत्ल किया गया। कितना वक्त लगा आपको इस किताब को लिखने में और क्या दिक्कतें आई? इसमें मुझे करीब 2 साल लग गए लिखने के लिए और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो चार्जशीट अदालत में फ़ाइल की गई थी, सीबीआई ने आईबी के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट फाइल की थी, वो सारी चार्जशीट गायब कर दी गई थी। इसीलिए मैं उनके घर वालों से मिला, उनके वकील से मिला और जो चीज़ें भी मिल सकी वो उसकी बुनियाद पर मैंने लिखने की कोशिश की। और आज के प्रोग्राम के लिए भी दिक्कतें आई, एजेंसी ने बहुत कोशिश की कि आज का प्रोग्राम ना हो, डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम हुआ और ये किताब आपके सामने हाजिर है। जब आप किताब के लिए शवाहिद और सबूत तस्वीरें जमा करने के लिए निकले तो कुछ दिक्कतें, धमकियां, रुकावटें आईं एजेंसी या कोई दूसरी तंजीमों की तरफ? नहीं, ऐसे इस तरह की कोई धमकी तो नहीं आई, लेकिन लोगों ने जो है ताउन नहीं किया। जैसे जस्टिस मजिस्ट्रेट तमंग के पास हम गए थे उनकी फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और SIT के जो IPS ऑफिसर है सतीश वर्मा, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनको इस प्रोग्राम में बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आए। तो एज सच कोई धमकी तो नहीं आई एजेंसी की तरफ से, लेकिन ये है कि बड़ी दिक्कत हुई ये सारे शवाहिद इकट्ठा करने में। कितने लोगों के कुछ बयानात इस किताब में हैं और कितनी इसमें करीब जो है 300 से ज़ायद स्टेटमेंट्स जो चार्जशीट में है, CBI की चार्जशीट में पहली और दूसरी, वो सारे बयानात को पढ़ करके, वो चार्जशीट को पढ़ करके, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स आई है आज तक के इशरत जहां केस में, वो सारी चीज़ें पढ़ के, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पढ़ के, और जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर और बैरून मुल्क जो न्यूज़ इशरत जहां केस को लेकर के आई है, वो सारी चीज़ें हमने लिखी है और करीब 300 से ज़्यादा हवाले दे करके इस किताब को मुरतब किया है। ये किताब लिखते वक्त आपने जब इनके घर वालों से रब्ता किया तो कुछ पहले ये डरे या ताउन किया इन्होंने? नहीं, इनके घर वाले डरे नहीं, बल्कि उन्होंने भरपूर ताउन किया। लेकिन एक एहसास होता है ना कि बार बार वही ज़ख्म जो है हरे होते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एक बड़े मकसद के खातिर हम मिले, उन्होंने ताउन किया, बल्कि वो उनके भाई जो मेरे साथ खड़े हैं अनवर भाई, मेरे घर तक के आए और उनके पास जो भी मटेरियल था इशरत जहां केस को लेकर के वो मुझे दिया उन्होंने और पूरा ताउन किया। जब भी मैंने फ़ोन किया, जब भी कोई सवाल पूछा है, इन्होंने बिल्कुल उसका जवाब दिया है और मेरा भरपूर ताउन करते रहे। आपके साथ भी कोई मामला गुजरा था तो क्या आपने उसकी भी किताब लिखी है? हाँ, वो मामला तो पुराना है और वो किताब हमारी पुरानी हो गई बेगुनाह के लिए। कितनी कुछ किताबें तक लिख पाएंगे? मैंने अभी 2 किताबें लिखी है और 2 किताबें मेरी पाइपलाइन में।
ये किताब आपने उर्दू भाषा में ही लिखी है और इसको अलग और भी भाषाओं में कुछ प्रकाशित करने का इरादा है आपका? अभी मुझे लखनऊ से एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसको हिंदी में जो है तर्जुमा करने के लिए तैयार हूँ और पब्लिशर से बात हो रही है, इंशाल्लाह इसको हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी में लाने का इरादा है।